स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्जैक्ट पर, जहां मैं आपको बताता हूं मोबाइल ऐप्स के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी कोई भी डिलीट हुई वीडियो रिकवर कैसे कर सकते हो। जैसे मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूं, उस प्रोसेस से आप अपनी 10 साल पुरानी भी वीडियो रिकवर कर पाओगे। इसीलिए आपके फ़ोन में जो भी वीडियो आपकी लास्ट डिलीट हुई है, जितनी भी डिलीट हुई है, वो सारी आपकी रिकवर होके आ जाएगी। लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा, मैं आपके सामने वीडियो डिलीट करूंगा और उसको रिकवर करके दिखाऊंगा। अगर वो रिकवर करता है तो अच्छी बात है, आप लोग भी उसको इंस्टॉल करोगे और वीडियो शेयर करोगे, क्योंकि कई लोग अपना डेटा लॉस कर बैठते हैं तो उनका बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए लास्ट तक इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम कुछ वीडियो डिलीट कर लेते हैं गैलरी में जाके, जिससे हमें हम उनको रिकवर कर पाएँ। तो ये मैं ऊपर की वीडियोस डिलीट कर देता हूँ, ये जो हैं ये मैंने वीडियोस डिलीट कर दी हैं, ठीक है। इसके बाद प्ले स्टोर में जाके उस ऐप को कर लेता हूँ इंस्टॉल। यहाँ पर सर्च करना होगा वीडियो रिकवरी ऐप, जिसमें आपको दिख जाता है डिलीटेड वीडियो रिकवरी ऐप को कर लेते हैं ओपन। ये ऐप ओपन हो रहा है। इसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस है, क्या वाकई में हमारी वीडियो रिकवर हो जाती है, कितनी पुरानी से पुरानी हो जाती है रिकवर। देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं रिकवर करके कि कितनी पुराने से पुराने रिकवर हो जाएगी। तो ये आ गया है, यहाँ पे रिकवर करने के लिए रिकवरी पे क्लिक करना है। उसके बाद डीप स्कैन रिकवरी, डिलीटेड वीडियोज़, डिलीटेड इमेजेस, डिलीटेड ऑडियो, डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स। तो डीप स्कैन रिकवरी पे क्लिक कर लेते हैं हम एक बार। उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस चालू होगा, ये ऐड के बाद चालू हो जाएगा, देखते हैं। तो ये स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा वेट करना होगा, तो करते हैं वेट। तो अभी ये स्कैनिंग कर रहा है, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में सीधा लेके जाता हूँ लास्ट में। ये इसकी कंप्लीट स्कैनिंग हो चुकी है, जिसमें आपको दिख रहा होगा 391 वीडियो मिली हैं इसे, और 14,431 फोटोज़ मिले हैं, 33 ऑडियो फाइल मिली हैं और 781 डॉक्यूमेंट मिले हैं। तो अभी हम वीडियोस पर क्लिक करके देखते हैं क्या इसने वो वीडियोज़ भी रिकवर करी हैं। तो ये हैं वीडियोज़ जो डिलीट हुई हैं अब तक, जितनी भी हैं सारी वो यहाँ आ गई हैं। इसमें हम अपनी वाली वीडियो भी सर्च कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो इसने मेरी सारी वीडियोस डिलीट करी है। मैं खुद देख के शौक हो रहा हूँ कि इतनी पुरानी पुरानी जो किसी टाइम मैंने डिलीट कर दी थी, वो भी वीडियोस मुझे मिल चुकी हैं। और अभी जो मैंने वीडियो डिलीट की थी वो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, कि काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, इतने में ढूंढना मेरे लिए पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आपकी कोई वर्ड एंड फाइल है, वीडियो है, तो आप उसे ढूंढोगे। तो मैं नहीं चाहूँगा ढूंढना, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप से आ रहे हैं। उसके अलावा देख पा रहे हो आप, ये हैं इतनी सारी वीडियोज, ये रहे ये वीडियोज, काफ़ी सारी वीडियोज हो गई है रिकवर हो गई। मैं रिकवर करके देखता हूँ कि मुझे मेरी फ़ाइल मिल जाए, रिकवर हो जाए। उसके लिए मैं किसी भी एक ऑडियो फाइल पर क्लिक करता हूँ और इसे रिकवर करके देखता हूँ। इस वीडियो पे हम क्लिक करते हैं और इस साइन पर क्लिक कर देते हैं, फाइल रिस्टोर। चलो फाइल रिस्टोर हो चुकी है, ये कह रहा है। उसके अलावा थोड़ा गैलरी में फ़ोटोज़ भी देख लेते हैं इसके, और 15,000 के करीब ये फ़ोटोज़ फाउंड हुए हैं। अब इतना तो है नॉर्मली कि मेरे फ़ोन में 400 वीडियोस, 15,000 फ़ोटोज़ तो मैं कभी रखने वाला नहीं हूँ, और 800 डॉक्यूमेंट्स। ये तो आप खुद लगा सकते हो कॉमन सेंस की वाकई में रिस्टोर फाइल हुई है। उसके अलावा आप खुद एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। उसके अलावा जो मैंने वीडियो रिकवर की थी, रिस्टोर की थी, वो चेक कर लेते हैं कि वो रिस्टोर हुई है या नहीं। ये देखो, ये वीडियो रिस्टोर हो चुकी है वहाँ से जो मैं रिस्टोर की थी। उसके अलावा जो वीडियो मैं रिस्टोर करूँगा वो टॉप पे आ जाएगी। जैसे कोई भी हम वीडियो ले लेते हैं उसे, जैसे ये वीडियो अगर मैं रिकवर करता हूँ रिस्टोर, तो ये रिस्टोर हो गई है और ये टॉप पे आ जाएगी। ये कहाँ से आ गई, ये टॉप पे आ गई, ठीक है। ये शायद 3 वीडियोज़ मेरे से रिकवर हुई हैं, हाँ 3 वीडियोज़ रिकवर कर दी हैं शायद अपन ने। ये आ गई हैं यहाँ टॉप पे, आ चुकी हैं 3 वीडियोज। तो देखो सही कहा ना मैंने, रिकवर हो जाती है वीडियो। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये।